आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और मेयर चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। वहीं इसी प्रदर्शन का जवाब देने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर धरने पर बैठे हैं। तो प्रदर्शन के मुकाबले प्रदर्शन का सिलसिला आज लगातार दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन्हें संभालने में खूब मशक्कत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के नेता धरने पर बैठे हैं। ये चार तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी के दफ्तर के बाहर, बीजेपी पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी एमसीडी के मेयर के चुनाव में धांधली का। और वहीं इसी चुनाव में जो धक्का मुक्की हुई तीन दिन पहले, जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली एमसीडी सिविक सेंटर से, उसके बाद आज बीजेपी ने भी ठान लिया कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल से माफी मांगने और पार्षदों को बर्खास्त करने को भी कहा है। सुनिए कुछ रिएक्शंस। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। कोई बात नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा, अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक अरविंद केजरीवाल अपनी गुंडाई के लिए माफी नहीं मांगते। आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों के वोट सस्पेंड करने की आपने मांग किया, जिसे उसको लेकर क्या कहना है? हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ठीक मांग किया, उनके 13 विधायकों का वोट सस्पेंड होना चाहिए। सदन में गुंडागर्दी कर रहे थे, गुंडों को उकसा रहे थे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया? ऐसा एमसीडी के सदन में कभी नहीं हुआ कि हमारे एमसीडी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे निगम पार्षद उनको बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को हिरासत में लिया गया और उनकी मांग साफ है कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी होगी और अपने पार्षदों को बर्खास्त करना होगा। लेकिन घमासान लगातार चल रहा है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। आज दिल्ली की सड़कों पर यह साफ नजर आ रहा है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को देखिए किस तरह से भारी तैनाती करनी पड़ी, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि प्रदर्शन कर रहे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। भाजपा तो विरोध क्यों कर रही है समझ नहीं आता, मतलब एक तो चोरी और सीनाजोरी वाला विरोध है। हमारा विरोध ये है कि 10 जो मनोनीत पार्षद बनाए गए उनको पहले शपथ दिलाने का कहीं कोई रूल नहीं है। वो शपथ इसलिए दिलाना चाहते थे कि उनकी वोटिंग पहले करा दें। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एमसीडी हमें चलाने के लिए दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के माध्यम से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिल्ली के एमसीडी को हथियाना चाहती है। आज हम इसका विरोध करें। जब तक संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान नहीं होगा, सदन गरिमापूर्ण तरह से नहीं चलेगा, यह सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी से हम आग्रह करते हैं कि वो सदन की गरिमा को बनाकर रखे। भैया मेयर का मिलेगा, जब सभी मनोनीत निर्वाचित सदस्य शपथ ले लेंगे, मेयर मिल जाएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ठीक मांग किया, उनके 13 विधायकों का वोट सस्पेंड होना चाहिए। सदन में वो गुंडागर्दी कर रहे थे, गुंडों को उकसा रहे थे। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस का, जहां से जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य, हमने कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिनको हिरासत में लिया गया उनके बयान सुने। उनकी मांग है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे और वो अपने पार्षदों को बर्खास्त करे। वहीं बीजेपी दफ्तर के बाहर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है बीजेपी से?
जी बिल्कुल, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर आज जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना था कि ये मंशा नहीं रखते कि दिल्ली के लिए विकास कार्य किए जाए, और लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि ये अपनी मनमानी तरीके से इन्होंने जो मनोनीत पार्षद है उनकी नियुक्ति की और उसके बाद जिस तरीके से उनका शपथ करवाया जा रहा था वो एक बहुत गलत है। इसको लेकर आज कहीं ना कहीं जब हमने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कई प्रवक्ताओं से बात की तो आज प्रवेश वर्मा का इसी पे कहना था कि अगर उनको लगता है कि ये मनोनीत होने की प्रक्रिया गलत है या निर्वाचन की प्रक्रिया गलत है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए, शायद वो समय बर्बाद कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के इशारे पे जिस तरीके से सिविक सेंटर में हंगामा हुआ, शायद अरविंद केजरीवाल को उन 11-13 पार्षदों को निलंबित करना चाहिए और उसके अलावा माफी मांगनी चाहिए दिल्ली के लोगों से। ठीक है आदित्य, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से, आज पूरा दिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने खड़े नजर आए और आगे भी इस मामले से जुड़ी जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।